नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। एक करोड़ 20 लाख की लागत से बने बृहद गौ संरक्षण केंद्र का लोकार्पण में घोसी विधानसभा के विधायक विजय राजभर ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का किसान लाभ उठाएं। राजभर मऊ के रतनपुरा विकासखंड के कुडवा गांव में 1,20,00,000 रुपए की लागत से बनी 6 एकड़ में बृहद गौ संरक्षण केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि छूटे पशुओं को दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार जगह जगह गौशाला बनाकर उनको उसमें चारा पानी के साथ ही रखने का प्रबंध कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि यहां अभी शिक्षा का अभाव है, यहां के अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दें। वहीं प्राथमिक विद्यालय कुडवा में बन रहे मॉडर्न शौचालय देखकर डीएम ग्राम प्रधान पर बिफर पड़े, कहा कि शीघ्र ही सुंदर शौचालय का निर्माण कराएं। विद्यालय में कक्षा 3 के पढ़ने वाले बच्चे से कविता भी सुनी। विद्यालय प्रांगण में ही कुछ बड़े लड़कों से उनके शिक्षा के बाबत बात भी किया और यहाँ की भूमि के बाबत जानकारी ली। लोकार्पण कार्यक्रम के अंत में ग्राम पंचायत मानिकपुर की सरिता देवी, उर्मिला देवी, सुधा देवी, सविता देवी, विद्यावती, सादरी देवी, शैलजा आदि महिलाओं ने जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को ज्ञापन दिया कि गांव में बनी सरकारी नाली पर गांव के ही चांदमती देवी, सुभावती देवी, नथिया देवी, केसरी देवी, गिरजा शंकर आदि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। महिलाओं ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि वहां से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए। मऊ से HN आजमी की रिपोर्ट।